आज आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित का अभ्यास 7B का 5 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले वाले पार्ट 2 में आप लोगों ने 4 तक का क्वेश्चन देखा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को पूरा देखिए। पूरा आप लोग देखेंगे तो गारंटी के साथ एक-एक बात आप लोगों को समझ में आएगी, एक-एक बात जो बोला जाता है उसको ध्यान से सुनेंगे। तो आज ये 7B एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट होगा, तो अगले वीडियो में आप लोग 7 का सी देखेंगे। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, देखिए दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है। यदि अंकों का स्थान बदल दिए जाएं तो नई संख्या पहले 36 कम हो जाएगी, तो संख्या बताइए। हमने बताया था सबसे पहले 2 चर x y मानते हैं। अगर एक ही संख्या पूछा है, देखिए एक ही संख्या पूछा है तो दहाई और इकाई हमको मानना पड़ेगा। तो यहां मानेंगे कैसे, लिखेंगे माना दहाई बराबर x इकाई बराबर y। दहाई को भी y और इकाई को भी x मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले इकाई बाद में दहाई भी मान सकते हैं। तो दहाई हमने मान लिया x, इकाई y, तो संख्या क्या हो जाएगी। हमने बताया था आप लोगों को कि बीजगणित में संख्या कैसे लिखेंगे, दहाई में 10 का गुणा करके और इकाई को जोड़ देते हैं, तो ये हो जाता है संख्या। और देखिए अगर कहीं क्वेश्चन में अंकों का स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या, अगर नई संख्या कहेगा स्थान बदलने से तो हम लोग स्थान बदल के भी नई संख्या निकाल लेंगे, तो वो भी यहां लिखेंगे, वो भी यहां लिख देंगे स्थान बदलने से बनी नई संख्या बराबर। अब देखिए स्थान बदलने का मतलब क्या होता है, हमने इससे पहले वाले पार्ट में बताया हुआ है। स्थान बदलने का मतलब इकाई जो है उसको दहाई की जगह पर, दहाई को इकाई की जगह पर कर देंगे, 10 को नहीं बदलेंगे, केवल इकाई दहाई वाला जो संख्या है इसी को बदल देंगे। तो देखिए 10 एक्स था तो हम लोग 10 वाई कर देंगे और प्लस एक्स कर देंगे, ये स्थान बदलने से बनी नई संख्या हो जाएगी। अब हमने ये काम कर लिया, इसके बाद हमने बताया था कि दो शर्त देखेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा, दोनों शर्त से दो समीकरण बनाएंगे और समीकरणों को हल कर देंगे। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा है दो अंकों की एक संख्या के दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, कह रहा है दहाई का अंक, तो हम लोग लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार। पहला शर्त यही कह रहा है, देखिए दहाई का अंक इकाई के अंक का दूना है, जो दहाई का अंक है, देखिए दहाई का अंक क्या है, इकाई के अंक का दूना, इकाई के अंक का दूना मतलब दूना कर देंगे, दो से गुणा कर देंगे। अब इसी को हम लोग जानते हैं, समीकरण में एक्स वाई को एक तरफ और अचर इधर लिखते हैं, तो 2y को जब बराबर की इधर भेजेंगे तो प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 2y हो जाएगा, और बराबर यहां कोई संख्या नहीं बचा मतलब जीरो बचा। इसको हमने बना लिया, देखिए पहले शर्त से समीकरण एक बना लिया हमने। अब क्या करेंगे, दूसरे शर्त से दूसरा समीकरण बनाएंगे, लिखेंगे यहां दूसरे शर्त के अनुसार। अब देखेंगे दूसरा शर्त क्या कह रहा है, तो यहां दूना है तक हमने पहला शर्त देखा, आगे देखेंगे यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाए तो नई संख्या, अंकों का स्थान बदल दिया जाए तो नई संख्या, देखिए स्थान बदलने से बनी नई संख्या मतलब इसको कह रहा है 10y प्लस एक्स बराबर, जो कहेगा उसको लिखेंगे और उसके बाद बराबर लगा देंगे। देखिए नई संख्या पहले से, अब पहले से क्या, पहले से मतलब जो पहले वाला संख्या है, पहले से 36 कम हो, कम के लिए हमने बोला था माइनस
अधिक के लिए प्लस करेंगे, तो जो पहले से पहले वाला संख्या यहां है देखिए 10x प्लस वाई, इससे क्या हो 36 कम हो, तो माइनस 36 कर दिए। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, एक्स वाई को एक तरफ करेंगे, अचर को रहने देंगे, तो हमको दूसरा समीकरण यहां से मिलेगा। तो देखते हैं, यहां देखिए 10y प्लस एक्स, ये 10x को इधर भेजेंगे तो माइनस 10x होगा, क्योंकि प्लस में है बराबर किधर भेज रहे हैं, प्लस y को बराबर किधर भेजेंगे तो माइनस y होगा, यहां लगा देंगे बराबर और इधर बच गया माइनस 36। अब हम लोग यहां सॉल्व करते हैं, देखिए 10y है, 1y है, 10y में से 1y घटाएंगे और यहाँ x देखिए 10x है, एक माइनस एक प्लस में है, माइनस प्लस है तो घटाते हैं चिन्ह बड़े वाले का, 10 और 1 में 10 बड़ा तो माइनस लगाएंगे। यहाँ पहले हम x वाला लिख रहे हैं क्योंकि पहले x बाद में y रहेगा तो अच्छा रहेगा, तो 10x में से एक x जाएगा तो माइनस 9x और 10y और माइनस y, 10y में से जब 1y घटाएंगे तो प्लस में 9y बराबर, यहां देखिए माइनस 36 है तो हमने लिख दिया माइनस 36। अब देखिए यहां हमको क्या मिल गया, एक्स वाई और अचर में दूसरा समीकरण मिल गया। यहां से थोड़ा सा और छोटा करना चाहेंगे तो 9 कॉमन लेके उधर भाग कर देंगे, नहीं तो ऐसे भी रहने देंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। जब 2 समीकरण मिल गया तो समझिए सारा काम आसान हो गया। अब सारा पहले का काम करना है, समीकरण को हल करना है, विलोपन विधि लगा कर हल कर लेंगे। हल करने के लिए किसी चर को एक्स वाई को दोनों समीकरण में एक को बराबर करते हैं, बराबर करने के बाद जोड़ते या घटाते हैं, उसको काटना रहता है बराबर वाले को। तो देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ 9x है, अगर हमको x को बराबर करना है तो 9 से इस वाले समीकरण में गुणा करेंगे, और ये देखिए x को बराबर करने के लिए 9 से गुणा करेंगे तो 9x प्लस में होगा, 9x माइनस में, तो जोड़ना पड़ेगा क्योंकि जोड़ेंगे तभी कटेगा, जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता, अगर घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण 1 में 9 से गुणा करके समीकरण 2 को जोड़ने पर, गुणा करने के बाद जोड़ देना है। तो जब समीकरण 1 में हम लोग गुणा करेंगे 9 से, तो देखिए यहां क्या होगा, यहां होगा 9x फिर माइनस 9 का इसमें भी गुणा होगा तो 9 दूना 18y, फिर यहां 9 से जब गुणा होगा तो 9 का 0 में गुणा 0 ही रहेगा। ये समीकरण 1 में हमने गुणा किया, और समीकरण 2 को हम लोग यहां लिख लेंगे, इसके पास 9x प्लस 9y बराबर माइनस 36। जोड़ना हमने पहले लिखा है तो जोड़ने में ये प्लस माइनस में कट जाएगा, 18y में से 9y देखिए एक माइनस एक प्लस में, तो घटाएंगे चिन्ह 18, 9 में 18 बड़ा है तो उसका चिन्ह माइनस लगाएंगे, 18 में से 9 जाएगा 9y बराबर 0 का मतलब कुछ नहीं, माइनस 36 है तो माइनस 36 लिखेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब हमको y का मान निकालना है तो 9 इधर गुणा कर रहा है उधर भेज देंगे, भाग कर देगा तो y बराबर बच जाएगा 36/9 कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 9 चौको 36, y का मान देखिए आ गया 4। अब जब y का मान आ गया तो इसी को समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे किसी में, तो x का मान आ जाएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए समीकरण 1 यहाँ है, एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल 0, तो x माइनस 2 इंटू वाई के जगह पर देखिए रख देंगे 4 बराबर 0, तो x माइनस 2 का 4 में गुणा 8 बराबर 0, तो माइनस 8 उधर जब भेजेंगे तो x इक्वल हो गया, माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8, तो हमको देखिए y का भी मान यहाँ मिल गया है 4,
और x का मिल गया 8। तो हमको क्या बताना था, संख्या बताइए। तो संख्या देखिए क्या हो जाएगा, 10x है, x के जगह पर 8 रखेंगे तो 10 बटे 80 और प्लस y का मतलब 4, तो 80 4 84। तो यहां लिख लेते हैं संख्या को, लिखेंगे इसलिए संख्या बराबर यही है संख्या 10x प्लस y, तो 10 गुणे x का मान आया है 8 और प्लस y का मान आया है 4, तो 10 का 8 में गुणा 80 और प्लस 4, तो 80 में जब 4 जोड़ देंगे तो 84, यही हमको संख्या मिल गया, यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया है दो अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर यदि इकाई और दहाई के अंकों का अंतर 3 हो तो संख्या बताइए। इसमें भी देखिए एक ही संख्या पूछा है, जब एक संख्या पूछेगा तो दहाई और इकाई मानेंगे, तो यहां लिखते हैं माना दहाई बराबर x, इकाई बराबर y, और संख्या क्या हो जाएगा, हमने बताया था संख्या, अभी से पहले भी हमने बताया संख्या को 10x प्लस y लिखेंगे, दहाई में 10 का गुणा और इकाई जोड़ देंगे। और देखिए अंकों का स्थान बदलने से अगर दिया होगा तो यहां वो भी लिख लेंगे, अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या बराबर, देखिए अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या क्या हो जाएगा, अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या, अभी इससे पहले हमने बताया y को x के जगह पर, x को y के जगह पर कर देंगे तो अंकों का स्थान बदल गया। अब इसके बाद हम लोग दो शर्त इसमें दिए होंगे, दोनों शर्त से दो समीकरण बनाएंगे, तो लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार, अब पहले शर्त के अनुसार देखेंगे क्या कह रहा है, दो अंकों वाली संख्या, जो संख्या आएगा आंसर में दो अंक का होगा, देखिए कह रहा दो अंक वाली संख्या का 7 गुना, ये जो दो अंक वाली संख्या है, जो संख्या हमने बनाई इसका कितना 7 गुना, मतलब 7 से इसमें गुणा कर देना है, 10x प्लस y में जब दो अंक में गुणा करते हैं तो 7 ब्रैकेट लगा करेंगे, तो कह रहा देखिए संख्या का 7 गुना अंकों के स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, ये किसके बराबर है, 7 गुना जो है संख्या का, अंकों का स्थान बदलने से बनने वाली संख्या, देखिए ये जो संख्या इसके कितने गुना है, 4 गुना है के बराबर है, मतलब ये अंकों का स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर, कह रहा है जो संख्या है उसका 7 गुना अंकों का स्थान बदलने से बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो हमने ऐसे लिखा, इसको सॉल्व करके ब्रैकेट हटा के मल्टीप्लाई करके एक्स वाई एक तरफ करके पहले इसको समीकरण बना लेंगे, तो देखिए 7 का जब इसमें गुणा होगा तो 70x प्लस 7 का जब वाई में गुणा होगा तो 7y बराबर 4 का 10y में गुणा होगा तो 40y और प्लस 4 का x में गुणा होगा तो 4x। अब हमको क्या करना है, एक्स वाई सबको एक तरफ कर लेना है, तो देखिए ये 70x प्लस 7y है, ये 40y इधर आएगा तो माइनस 40y होगा क्योंकि प्लस में है, और 4x प्लस में है बराबर की इधर आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा, और बराबर इधर से संख्या सब इधर आ गया तो इधर बचा 0। थोड़ा सॉल्व करेंगे, देखिए 70x में 4x जब माइनस करेंगे तो 66x, और 40y में से 7y घटाएंगे तो माइनस में 33y बचा और बराबर इधर हो गया 0। अब इसको बना लेंगे क्या, समीकरण 1,
या तो यहां से कॉमन लेना, आप लोग जानते हैं कॉमन लेना पढ़ चुके हैं पीछे के एक्सरसाइज में, कॉमन लेना हमने पढ़ा दिया। तो उसमें क्या करेंगे, 33 देखिए दोनों में कॉमन होगा तो 33 को कॉमन निकालेंगे, थोड़ा सा अंक छोटा हो जाएगा देखिए, तो 33 कॉमन लेंगे तो 33 दूना 66 होता है, यहां 2 और x बचा और माइनस यहां 33 हमने ले लिया तो 1 बचा, मतलब y केवल बचा और बराबर 0। 33 देखिए इधर गुणा कर रहा है उधर जाएगा भाग करेगा, 0 में किसी संख्या से भाग कर देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि यहां क्या बच गया 2x - y = 0, यही बचा, ये हो गया समीकरण 1। अब जब 2x - y का समीकरण 1 हमको मिल गया, अब देखते हैं दूसरे शर्त से यहां लिखेंगे, दूसरा समीकरण बनाएंगे, लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार। अब देखिए दूसरा शर्त क्या कह रहा है, यहां 4 गुने के बराबर हमने यहां तक किया था, देखिए यदि इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर 3 हो, इकाई पहले दिया देखिए, इकाई अंतर का मतलब घटाना, इकाई क्या है वाई, तो देखिए इकाई एवं दहाई के अंकों का अंतर, अंतर मतलब माइनस, इकाई और दहाई के अंकों का अंतर कितना हो 3 हो, बराबर हो कितना 3। अब यहां से देखिए हमको मिल गया दूसरा समीकरण, इसको कैसे लिखेंगे, x को पहले y को बाद में कर लेते हैं, इससे अच्छा रहेगा, तो माइनस x ऐसे लिख लेंगे और प्लस y है बराबर 3, इसको बना लिए हम समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया हमको, जब समीकरण 1 2 मिल गया तो दोनों को हल करके x y का मान निकाल देंगे। तो हल करने के लिए देखिए क्या करते हैं, दोनों समीकरण में किसी चर को बराबर किया जाता है, तो इसमें देखिए y पहले से दोनों में बराबर है, यहां माइनस y यहां प्लस y, जब एक प्लस एक माइनस में रहा तो जोड़ देंगे तभी कटेगा, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो एक पास लिख लेंगे, समीकरण एक है 2x - y = 0 और समीकरण दो है -x + y = 3। जोड़ेंगे तो देखिए y से y कैंसिल, 2x में से एक x जब घटाएंगे तो केवल x इक्वल, यहाँ 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3, x का मान देखिए 3 आ गया। अब यही मान समीकरण एक या दो में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा, तो लिखते हैं x का मान समीकरण दो में, मान लीजिए हम रख रहे हैं समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो यहां एक बार लिखते हैं -x + y = 3 दिया है, x के जगह पर 3 रखेंगे तो -3 हो जाएगा और +y = 3। अब देखिए -3 को इधर भेजना है तो y का हमको मान निकालना है, तो y = हो जाएगा 3, -3 जब इधर आया तो +3, तो y = हो गया 3 और 3 जोड़ लेंगे तो 6। देखिए x और y दोनों का वैल्यू निकल गया है, अब हम लिखेंगे इसलिए हमको संख्या बताना है, तो संख्या बराबर क्या लिखेंगे, देखिए यही संख्या है 10x + y, तो यहां लिखेंगे एक बार 10x + y, 10 × x का मान आया देखिए 3, प्लस y का मान आया है 6, 10 का 3 में गुणा करेंगे तो 30 प्लस 6 जोड़ लेंगे, 30 और 6 तो 36 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अब आप लोग इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, दिया है 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाते हैं तो वह संख्या बताइए। इसमें भी देखिए एक ही संख्या पूछा तो इसमें भी दहाई और इकाई मानेंगे, तो मान लेते हैं पहले माना दहाई बराबर x
इकाई बराबर y तो संख्या क्या लिखेंगे, संख्या में दहाई में 10 से गुणा करते हैं, इकाई को जोड़ लेते हैं, तो ये संख्या हो गया। जब अंकों का स्थान बदलने वाला दे दिया होगा नाम इस क्वेश्चन में, तो बदलने से भी लिख लेंगे, यहां लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने से बनी संख्या बराबर, जब अंकों का स्थान बदलने से कहेगा तो x को y के जगह पर करेंगे, 10y plus x हो जाएगा। अब हम लोग दो शर्त दिया है, दोनों से दो समीकरण बनाएंगे, तो लिखेंगे पहले शर्त के अनुसार, देखते हैं पहला शर्त क्या है। दो अंकों की एक संख्या, ये जो संख्या है इसी को कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है। जो ये संख्या है, दो अंकों वाली संख्या, ये क्या है, ये जो दो अंकों वाली संख्या है ये अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी। अंकों का अंतर किसको कहते हैं, देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है तो अंकों का अंतर क्या होगा, इस दहाई वाले में से इकाई को घटा देंगे, यही इसके अंकों का अंतर है। तो इसी तरह इसमें अंकों का अंतर की 21 गुनी कह रहा है, तो अंकों का अंतर क्या होगा, दहाई में से इकाई को घटा देंगे, तो वही अंकों का अंतर हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है कि जो संख्या अपने अंकों के अंतर की 21 गुनी है, जो संख्या है अपने अंकों के अंतर की, मतलब दहाई में से इकाई घटाएंगे तो इसकी कितनी गुनी है, 21 गुनी, मतलब 21 से गुणा कर देंगे, अंकों के अंतर की 21 गुनी है, हमने ऐसे कर लिया। अब इससे समीकरण एक बनाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 10x plus y बराबर 2, 21 का देखिए x में गुणा होगा तो 21x, 21 का माइनस y में गुणा होगा तो माइनस 21y, दोनों को हम लोग बराबर की इधर भेजेंगे, चिन्ह बदलेगा दोनों का, यहाँ हो जाएगा 10x plus y है, 21x इधर आया तो माइनस 21x, और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 21y, बराबर इधर कोई संख्या नहीं बचा तो जीरो बचा। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, देखिए 10x में से 21x, मतलब एक प्लस एक माइनस में है, तो घटाएंगे चिन्ह बड़े वाले का रहेगा, 10 21 में 21 बना, इसका चिन्ह माइनस लगा देंगे, 21 में से 10 जाएगा तो 11x, और 21y और 1y दोनों प्लस में है, जोड़ लेंगे तो 22y बराबर 0। इसी को समीकरण एक बनाएंगे, चाहेंगे तो थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, देखिए 11 दोनों में कॉमन है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं 11, तो यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स और प्लस यहाँ 2y, 11 दोना 22 होता है तो 11 हमने ले लिया तो 2 बच गया बराबर 0, 11 को इधर भाग करेंगे 0 में, इधर गुणा इधर जाएगा तो भाग होगा, खत्म होगा, यहाँ बच जाएगा माइनस एक्स और प्लस 2y बराबर 0। इसको बना लिया हम समीकरण एक। अब दूसरे शर्त के अनुसार दूसरा समीकरण बनाएंगे, यहां लिखते हैं, लिखेंगे दूसरे शर्त के अनुसार। देखिए दूसरा शर्त क्या कह रहा है, अंकों के अंतर की 21 गुनी है, यहां तक पहला शर्त हो गया। यदि संख्या से 36 घटा दें, यही संख्या है, इससे कितना घटाने के लिए कह रहा है, कह रहा है संख्या जो है इसमें से 36 घटा दें, माइनस कर दें, तो ये क्या होगा, आगे देखिए कह रहा है यदि संख्या से 36 घटा दें तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, मतलब ये संख्या 36 घटाएंगे तो अंकों का स्थान बदल जाएगा, अंकों का स्थान बदल जाएगा, मतलब इतना हो जाएगा 10y plus x। यहां से हम लोग समीकरण दो बना लेंगे, तो देखिए 10x plus y है, ये yx इधर लाएंगे और 36 को उधर भेजेंगे, तो 10y plus में बराबर की इधर आएगा तो माइनस 10y,
प्लस x बराबर किधर आएगा तो माइनस x और बराबर माइनस 36 को जब उधर भेजेंगे तो प्लस 36 10x में से 1x घटाएंगे तो 9x और 10y में से 1y घटाएंगे माइनस 9y बराबर 36 देखिए दोनों में से हम लोग 9 कॉमन ले सकते हैं तो जब 9 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x और माइनस यहां बचेगा y बराबर 36 9 को उधर भेज लेंगे इधर गुणा कर रहा उधर भाग कर देगा यहां बचेगा x माइनस y बराबर 36 बटे 9 भाग कर लेंगे तो x माइनस y बराबर बच गया 9 चौको 36 4 ये हो गया समीकरण 2 अब समीकरण 1 2 में देखिए एक चर बराबर है x वाला एक माइनस एक प्लस में है तो जब माइनस प्लस में है तो जोड़ लेंगे जोड़ेंगे तो कट जाएगा तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो एक बार समीकरण 1 लिखते हैं माइनस x प्लस 2y और यहां समीकरण 2 है x माइनस y समीकरण 1 बराबर 0 दिया है समीकरण 2 में बराबर 4 दिया है यहां x माइनस प्लस में कैंसिल 2y में से y घटाएंगे तो y बराबर 4 और 0 4 ही रहेगा तो y का मान देखिए आ गया 4 y का मान समीकरण 1 या 2 में रखेंगे तो x का मान आ जाएगा यहां लिखते हैं y का मान समीकरण किसी में रख देते हैं मान लीजिए इसी में रख देते हैं एक में रखने पर यहां अब रखते हैं देखिए समीकरण 1 है माइनस x प्लस 2y बराबर 0 इसी में हम रख रहे हैं y का मान 4 आया है तो माइनस x प्लस 2 गुणे y के जगह पर 4 रख देंगे बराबर 0 तो माइनस x प्लस 2 का 4 में गुणा 8 बराबर 0 तो माइनस x बराबर प्लस 8 को बराबर को उधर भेजेंगे तो माइनस 8 माइनस से माइनस कट जाएगा x बराबर हो गया 8 तो देखिए y का मान आ गया 4 x का मान आ गया 8 अब संख्या कैसे लिखेंगे यहां लिख लेते हैं देखिए संख्या बराबर यही है संख्या 10x प्लस y तो चाहे डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे दहाई देखिए 8 है x को हमने माना था और इकाई देखिए आया है 4 तो संख्या बराबर लिखेंगे 8 और 4 मतलब 84 हो गया यही आंसर हो जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए वीडियो को पूरा देखिए तभी सारी बात समझ पाएंगे अब अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में कल देखेंगे आप लोग